तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम आपको लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बना के बताएंगे। तो ड्रेस बनाएंगे हम दो कलर से, देखिए येलो कलर है और ये हमारा पर्पल कलर है। और इसे बनाने के लिए हम 10 नंबर सिलाई ली है। तो देखिएगा, ऊन हमारी बेबी वूल ऊन है, जो सॉफ्ट वाली होती है, 3 प्लाई वाली। देखिएगा 3 प्लाई वाली ऊन है। तो हमने ये कान्हा जी को बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगा, इसलिए कॉटन जैसा बिल्कुल कॉटन होती है इस तरीके से, तो इसलिए हमने 3 कलर की ऊन ले सॉरी 3 प्लाई वाली ऊन ली है। और इसे बनाने के लिए हमने देखिए इसमें फंदे डाल लिए हैं, 10 फंदे। तो ये हम छोटे से छोटे कान्हा जी के लिए बनाएंगे, जो सबसे छोटे कान्हा जी होते हैं उनके लिए 10 फंदों का हम ये आपको बना के बताएंगे। तो फंदे हमने पर्पल कलर से डाले थे, और देखिए पर्पल कलर की हमने यहाँ पे उल्टे उल्टे एक दो दो सिलाई बना ली है। उसके बाद में हमने येलो कलर को देखिएगा यहाँ पे बना लिया है। तो ये हम देखिए येलो कलर से उल्टे तरफ से हम बनाते चले आए। अब यहाँ पे हम जाली डालेंगे, पहला फंदा हम डाल लेते हैं, धागा अपनी तरफ किया, देखिए 4 जाली डालेंगे लगातार। पहली जाली धागा अपनी तरफ, दूसरी जाली धागा अपनी तरफ, 3 जाली धागा अपनी तरफ, 4 जाली। 4 जाली हमारी होगी। यहाँ पे हमारे 5 फंदे हैं, तो एक फंदा हम सीधा बना लेते हैं पीछे के पार्ट के लिए। फिर देखिए यहाँ पे 4 जाली डालेंगे, 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली, और देखिए 4थी जाली हमारा, ये फंदा इधर जाली हो जाएगी और साइड में हमारा सीधा फंदा बन जाएगा। इस तरीके से 4 जाली हमने यहाँ पे डाल ली। तो इसमें हम देखिए उल्टे तरफ से कुछ नहीं करेंगे, उल्टी तरफ से इसको पूरा इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिएगा, और हमारा सपोर्ट कीजिए जिससे हम आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आए। देखिए हम पूरी सिलाई इसको उल्टा उल्टा यहाँ से बना लिए हैं, सभी फंदों को हमने उल्टा उल्टा बना लिया है। तो आप इसको 1 नंबर को और 0 नंबर के लिए हमने बनाई है 10 फंदों वाली ड्रेस, तो ये 1 नंबर को भी आ जाएगी। फिर से बताते हैं सीधे तरफ से इसको किस तरीके से बनाना। पहला फंदा उतारा, अब जो ये हमारा जाली वाला फंदा है इसको बनाएंगे सीधा। अब देखिए फली वाला फंदा है, धागा अपनी तरफ किया, इस पे जाली डाली, दूसरी जाली ये जाली पे डाली हमने। अब देखिए जो बीच में हमारी जाली है, ये बाजू के फंदे हो जाएंगे, इसको सीधा बना लेते हैं और जाली को भी सीधा, ये बीच वाली जाली को हम सीधा बनाएंगे तो ये हमारी बाजू के फंदे हो जाएंगे। अब धागा अपनी तरफ किया, इस जाली पे जाली डाली, फली पे और दूसरी जाली पे जाली। अब देखिए 2 फंदे सीधे सीधे बनेंगे पीछे के पार्ट के, पहले एक था, और ये जाली वाले को भी सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फली पे जाली, दूसरी जाली जाली पे, और बीच में जो हमारी ये देखिए जाली है, फली और जाली, इसको बनाएंगे सीधा सीधा बाजू के लिए, दूसरी वाली बाजू के लिए धागा अपनी तरफ, और इस फली पे फिर जाली, देखिए दूसरी जाली जाली पे, और ये वाला फंदा सीधा इस तरीके से। 2 जाली हमारी डल चुकी, तो तीसरी जाली अब हम जाली के ऊपर डाल लेंगे। तो इसमें हम 3 जालियाँ डाल लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा इसमें हमने 3 जाली डाल ली हैं, 1 2 3, हमारी 3 जालियाँ इसमें डल चुकी हैं। अब हमारी ये बाजू तक चोली बन गई है, क्योंकि हमें छोटे से छोटे कान्हा जी के लिए बनाई है। अब देखिए इस फंदों को हम बंद करते हैं, बाजू के फंदों को, और दूसरा कलर हमने बैक साइड से लगा लिया है। देखिए 2 3 4 और 5, 5 फंदे हमने बना लिया एक पार्ट के लिए, जाली तक के फंदे। देखिए अब जाली के अंदर के जो फंदे हैं इनको हम 2 का 1 करेंगे इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7,
देखिए 7 फंदे हमारे ये हो गए बाजू के लिए। अभी पीछे के पार्ट के फंदे इनको सीधा सीधा बना लेते हैं। जाली से जाली तक का इसमें हिसाब होता है, जो जाली वाला हमारा होता देखिएगा 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हमारे यहाँ पे हो गए पीछे के पार्ट के। अब धागा आगे किया, यहाँ पे 2 फंदे का एक करेंगे। देखिए बाजू के लिए फिर से 1 2 3। देखिए अब हमारी बाजू यहाँ पे बंद हो चुकी है दोनों, तो इसको अब हम एक साथ करेंगे। 3 पार्टों में फंदे हो गए। उल्टे तरफ से देखिए सभी फंदों को एक साथ बना लेंगे। अब हमारे यहाँ पर टोटल 20 फंदे हैं, 5 पार दोनों साइडों के फंदे और 10 हमारे हो जाएंगे दोनों साइडों के और 10 फंदे हमारे पीछे वाले पार्ट के, तो हमारे यहाँ पर 20 फंदे हैं। इस तरीके से सभी फंदों को एक साथ हम बनाते हुए चले जाएंगे और इसे बनाने के बाद में हम टोटल 4 सिलाई देखिए एक साथ इस तरीके से बनाएंगे पास में लाते हुए। कमर के लिए बना लेंगे जिससे हमारी कमर की लंबाई बन जाएगी, टोटल 4 सिलाई में बन जाएगी क्योंकि हमें छोटी सी चोली बनानी है। इस तरीके से देखिए अब इसको हम उल्टा सीधा बनाते हुए 4 सिलाई इसमें बना लेते हैं टोटल। देखिएगा ये हमारी चोली बनके तैयार हो गई, छोटी सी चोली। अब हम इसमें फंदे बढ़ा लेते हैं। देखिए पहला फंदा उतारते हैं, दूसरे फंदे को देखें इस तरीके से एक बार बनाया, इसी धागे के फंदे को पीछे से बनाया, धागा अपनी तरफ एक बार बनाया, एक फंदे में से हम 3 फंदे इस तरीके से बना लेते हैं। धागा अपनी तरफ एक बार बनाया और यहाँ पे हमारे 3 फंदे बन गए। देखिए एक बार और हम जब आएंगे तो सब फंदे में से सिंगल सिंगल फंदा बना लेंगे सीधी सिलाई पे। देखिए उल्टी सिलाई में हम इसको कुछ नहीं करने करेंगे इस तरीके से पूरी सिलाई को देखिए, जिससे हमारा घेरा अच्छे से फैला फैला बन जाएगा। और बड़ी चोली होती है उसमें हम फंदा डबल ही बनाते हैं क्योंकि उसमें फंदे ज़्यादा होते हैं। अभी हमारी छोटी सी चोली है, टोटल 20 फंदे हैं, तो देखिएगा 20 फंदे में हमारे 40 फंदे हो जाएंगे और घेरे के लिए हमारे 40 फंदे कम रहेंगे, तो इसलिए हम एक फंदे में से 3 फंदे बना के और दूसरी सिलाई पे हम एक फंदे में से 2 फंदे बनाएंगे, तो हमारा घेरा काफ़ी बड़ा फैला फैला बन जाएगा। तो देखिए अभी तो हम बना लेते हैं इसको। तो देखिएगा ये हमने यहाँ पे 2 बार फंदे बढ़ाए, एक बार एक फंदे का 3 बनाया। देखिए जाली भी बन गई है, यहाँ पर डोरी डाल भी सकते हो आप। और फिर दूसरी सिलाई पे हमने एक फंदे में से 2 फंदे बनाते हुए बनाया, तो देखिए काफ़ी सारे फंदे हो चुके हैं घेरे के लिए। अब हम एक सिलाई उल्टी सादा सादा और एक सीधी सादा सादा बना लेते हैं। देखिएगा इसके बाद में इसमें हम डिजाइन डालेंगे ड्रेस में, तो पहले इसको हम देखिए उल्टा सीधा 2 सिलाई बना लेते हैं, इसमें फिर डिजाइन डालेंगे। तो देखिएगा ये हमने एक उल्टी सीधी सिलाई इसमें बना ली है, तो अब हम डिजाइन डालते हैं उल्टे तरफ से। देखिए तो हम यहाँ पर पहला फंदा उतारते हैं और 1 2 3 फंदे हो गए हमारे और देखिएगा ये 4 फंदे। यहाँ पे हम एक फंदा बनाएंगे पर्पल कलर से इस तरीके से देखिएगा, और फिर से हम बनाएंगे 7 फंदे। एक इधर हाफ हाफ बनाना होता दोनों साइड, 2 3 4 5 6 और देखिए हमारे 7 फंदे हो गए। देखिए यहाँ पे अब जो हमारा ये यहाँ पे आठवां फंदा है इस पे हमने इसको बना लिया पर्पल को, और फिर से हम 7 फंदे बनाएंगे। देखिएगा 4 5 6 7 7 फंदे फिर बना लिए। फिर देखिएगा 7 फंदे बनाने के बाद में 8वें फंदे को फिर से हम पर्पल से बनाएंगे इस तरीके से।
आप इसको दबाते हुए चलना तो इसमें झोल नहीं आएगा। इस तरीके से, इस तरीके से इसको हर आठवें फंदे को हम पर्पल कलर से बना लेंगे। 2, 4, 6, 7 इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से बना लेते हैं। देखिएगा उल्टे तरफ से हमने बना लिया इसको, सीधे तरफ से जो जैसा हमारा कलर होगा उसको ऐसा ही बनाएंगे। देखिए ये हमारा पर्पल कलर है, आप इसको देखिए इस तरीके से पर्पल से ही बनाना, सीधा ही बनाना है। और जो हमारे येलो के हैं उनको देखिए येलो से बनाएंगे सभी फंदों को इस तरीके से। जो जैसा कलर होगा सीधे तरफ से उसको उसी कलर से हम बनाएंगे इस तरीके से। पर्पल को पल पर से और थोड़ा सा लूज बनाना है जिससे झूलना है इस तरीके से। और दबाते चलो तो और अच्छी बात है, आप इसको अच्छे से सेट बैठ जाएगा। देखिएगा इस तरीके से बीच बीच में इसको इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से जो जैसा कलर है सीधे तरफ से उसको वैसा ही हम बना लेते हैं। सीधे तरफ से हमने इसको बना लिया है, अब हम उल्टे तरफ में तो फिर से इसको देखिएगा बनाते हैं। अब हमने यहाँ पर 4 फंदे बनाए देखिए येलो के, अब उल्टे तरफ से आए हैं तो 3 बनाएंगे। देखिएगा एक जो हमारा येलो वाला है इसको हम बनाएंगे पर्पल से, और पर्पल वाले को बीच में हम एक येलो का बना देंगे, और इधर साइड वाला जो येलो का था उसको भी हम इस तरीके से देखिए पर्पल से हमने बना लिया। अब बीच के जो फंदे हैं हमारे उनको येलो से बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा पहले हमारे 7 फंदे थे, 5 रह जाएंगे इस तरीके से। देखिए 2, 4 और 1, 5। अब देखिए येलो से जो पहला फंदा है इसको भी हम पर्पल से बनाया, और जो येलो वाला था बीच में इसको हम येलो से बनाया, और दूसरा फंदा येलो के साइड वाला था पर्पल के जो येलो का था उसको हमने देखिएगा पर्पल से बना लिया इस तरीके से। अब हम बीच में 7 फंदे येलो के बनाएंगे, 5 फंदे सॉरी, इस तरीके से देखिएगा 5 फंदे हो गए हमारे यहाँ पे। इसको बनाएंगे पर्पल से, और इसको येलो से, और इसको पर्पल से। तो देखिएगा हम आपको बता देते हैं किस तरीके से इसको हम बनाएंगे हर बार। सीधे तरफ से तो जो जैसा कलर होगा उसको हम वैसा ही बना लेंगे। इसको ऐसे बनाना है देखिए, जैसे हमने अब येलो वाला था वो पर्पल से बनाया दोनों साइड का, अब हम हमारे 3 फंदे येलो के हो जाएंगे, और जो हमारे इस साइड का फंदा है यहाँ पे देखिएगा एक इधर से ये पर्पल से हो जाएगा, और बीच में हमारे 3 फंदे रह जाएंगे। जो हमारे बीच वाले ये फंदे हैं येलो के ये हमारे पर्पल के होते चले जाएंगे दोनों साइड से एक एक फंदा, और बीच में हमारे ये येलो वाले पर्पल वाले येलो से होते चले जाएंगे। तो देखिएगा इस तरीके से हमारे डिजाइन यहाँ पे दोनों साइड से पास को आता जाएगा और यहाँ पे एक जगह मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस डिजाइन को हम बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये हमने देखिए बना दिए हैं सभी फंदे इस तरीके से। अब हमारा यहाँ पे एक एक फंदा रहेगा देखिए बीच में, जैसे हमने यहाँ से एक से इसको स्टार्ट किया था तो इधर भी हमारा एक फंदा रह गया। अब देखिएगा ये हम बीच में येलो के बनाते गए हैं, ऑरेंज के जो हमारे येलो के तो उनको बढ़ाते हुए गए। इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। अब हम क्या करते हैं इसको देखिए, जो हमारा ये येलो का है इसको अब हम बनाते हैं पर्पल से, पर्पल वाले को येलो से बनाएंगे, और जो बीच के फंदे देखिए इस तरीके से उनको हमने येलो से बना लिया, और पर्पल वाले को भी येलो से बना लिया। 2, 4, 6, 7 फंदे देखिए हमारे यहाँ पे आ गए। पहले हमारे यहाँ पे एक फंदा था, अब जो हमारा एक येलो का इसको हमने पर्पल से बनाया इस तरीके से, और जो पर्पल का इसको भी हमने येलो से बनाया देखिए। 2, 3, 4, 5, 6
और एक ये सात। तो देखिए पहले भी हमारे सात फंदे थे और एक पर्पल का था, तो देखिए एक पर्पल का रह गया है और हमारे सात येलो के फिर से हो गए हैं। तो अब हमारे येलो वाले देखिएगा, दिखाते हैं आपको कौन से हुए हैं और पर्पल वाले कौन से हो गए हैं। इस तरीके से देखिए इसको हम इस तरीके से बना लिए हैं। देखिएगा आपको दिखाते हैं सीधे तरफ से, यहाँ पे हमारे देखिएगा येलो के थे ये बीच में और ये यहाँ पे पर्पल के थे। तो अब यहाँ पे हमारे येलो के आ गए हैं और जो हमारे येलो के बीच में पर्पल के थे, तो यहाँ पे ये हमारा एक पर्पल का हो गया है। इस तरीके से पूरा डिजाइन हमारा बन गया है, देखिएगा इस तरीके से। अब सीधे तरफ से जो जैसा कलर है उसको हम वैसा ही बना लेंगे। और जैसे हमने गले में दो सिलाई की पट्टी बना के, अब हम पर्पल से देखिए ये वाला ये हमारा पर्पल है, इसकी हम दो सिलाई की पट्टी बना के इसको सभी फंदों को एक साथ दो का एक करके बंद कर देंगे। इसे बनाने के बाद में देखिएगा ये डिजाइन पूरा हो चुका है। इसके बाद में अब हम बॉर्डर बना लेंगे इस तरीके से। देखिएगा फ्रेंड्स ये ड्रेस हमारी बनके तैयार हो चुकी है। देखिए ये हमने दो सिलाई का बॉर्डर बनाया है और ये हमारी छोटी सी चोली है, देखिएगा इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये हमारी ड्रेस बनके तैयार हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिएगा ये जीरो नंबर के लिए, एक नंबर के लिए और छोटे से छोटे साइज के लिए भी आ जाएगी अच्छे से। देखिए काफ़ी सुंदर हमने ड्रेस बना दी है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस ड्रेस को बनाया है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।